सुंदर लग रहा है. तो मैंने मतलब पहले मैंने वेस्टर्न चूज किया था, बट अब मुझे एथनिक इनका इतना प्यारा लग रहा है कि मैं एक ड्रेस एथनिक भी रखने वाली हूँ, सो दैट अगर मेरा मूड करेगा इंडियन पहनने का तो डेफिनेटली ऐसी ही ड्रेस को तो किसका मूड नहीं करेगा पहनने का. इनफैक्ट सो मैनी आर हेयर. सो ये भी बहुत लाइट सी यू नो गाउन कुर्ती है, बिकॉज दिस टाइम आई विल बी इन गोवा फॉर माई एनिवर्सरी, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. और मैं आपको वेस्टर्न में भी दिखाती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं. सो दिस ब्लैक, दिस इज वेरी सेक्सी जंप सूट, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है. जैसे आप जानते हैं जंप सूट इस बार बहुत फैशन में आ गए पहले की तरह, पहले से जैसे. सो ये भी बहुत अमेजिंग है, आई थिंक ये इवेंट्स में बहुत अच्छा लगेगा. एंड दिस ड्रेस, यस सॉरी, दिस गाउन, ये भी मेरा मतलब और डे टाइम में मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा, और इवनिंग में मैं वो ब्लैक गाउन कुर्ती पहन सकती हूँ. तो अभी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से, और बाकी सोहम का बर्थडे भी आ रहा है तो, और अगर आपने शायद पहले देखी भी होगी, शूट भी की होगी, तो फेमिदा की जो बेस्ट चीज़ है वो स्लिट है. और मतलब मैंने इस तरह का लहंगा नहीं, कभी स्लिट का लहंगा इतना प्यारा नहीं देखा है. तो और वो भी ब्लैक एंड मेहरून का कॉम्बिनेशन से जस्ट कलर गोल्डन, बहुत सुंदर लग रहा है. तो मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है. तो आप प्लीज़ आइए बैंड्रा में, मुंबई में अगर आप हैं तो बैंड्रा आइए फहमिदा शेख के स्टोर में, और आई एम श्योर कि यू नो आपकी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से हो जाएगी. ओके, आपने सोहम की इजीली जा रहा है तो कोई इसमें डिफरेंट, और आपको बिकॉज ये गोल्डन से काफ़ी शाइन भी देता है फेस पे. फहमिदा, हमने देखा कि आप काफ़ी कलर्स यूज. फहमिदा शेख के इस शोरूम में आज मैं अचानक से इसलिए पहुंची क्योंकि लड़कियां अचानक से कभी भी शॉपिंग में चले जाती हैं, और बाकी मौका भी है मेरे पास में कि बिकॉज 2 मई को मेरी एनिवर्सरी है और 28 मई को मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है. तो काफ़ी सारी, इनफैक्ट समर है तो यू नो अभी विंटर्स फिनिश हो चुकी हैं, तो अभी वार्डरोब फिर से चेंज करनी है और समर के क्लोथ भी मुझे काफ़ी सारे चाहिए. और आई थिंक यहाँ पर आके मुझे सारी बेस्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं, मुझे और कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ मुझे काफ़ी सारे कलेक्शंस बहुत पसंद आए हैं. बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने कुर्तीज़ में ही इतना ब्यूटीफुल काम किया हुआ है कि मतलब वो इंडो, एकदम इंडो वेस्टर्न है. दिस इज़ केप कुर्ती, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक फॉर डेली वेयर दिस इज़ वेरी प्रिटी. एंड फैक्ट यू कैन गो फॉर लाइक इवनिंग में, आप डिनर पे भी इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी समरी कलर और बहुत अच्छा है, यू नो. और समर्स की बेस्ट पार्ट क्या होती है, हवा जब चलती है तो इस तरह की कुर्ती जब उड़ती है, ओह माय गॉड इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स आते हैं, अमेजिंग. एंड दिस कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. तो ये भी मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है. तो मतलब मुझे एनिवर्सरी के लिए तो ले रही है, बट डेली वेयर्स के भी मैं काफ़ी सारे कपड़े यहाँ से उठाने वाली हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी कुर्ती, बहुत सुंदर है. और ये फहमिदा की क्वालिटी है नो, अपने जरी वर्क से उसको इतना उस पहली बार तो इस फैब्रिक पे जरी वर्क होना इतना डिफ़िकल्ट है, मगर उन्होंने इतना अच्छे से उसको किया है और उसको और ज़्यादा उठा दिया है, इन्हांस कर दिया उसकी ब्यूटी, और इतना प्यारा कलर चूज़ किया है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट ऑप्शन. ऐसी कोई कुर्ती जिस पर आपकी पहली बार में नज़र टिक गई हो? मुझे सारे कपड़े ऐसे लग रहे हैं कि मतलब यू नो ये मेरी वार्डरोब में होने चाहिए. मुझे ऐसा एक ऐसा कोई नहीं है कि नो, बिकॉज हर एक ड्रेस जो है ना, एक जो है आपका डिनर डेट या यू नो हर कोई ना कोई इवेंट पे एकदम बेस्ट जाती है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. इन फैक्ट जैसे सुना गया कि मैम आपके पास एक पर्सनल बेडरूम बेड मतलब रूम बना है आपने कपड़ों के लिए काफी, तो आपने यस वी एक्टर्स ऑलवेज शौकीन हो, आप इस बारे में बताइए थोड़ा. मैं कपड़ों की बहुत शौकीन हूँ, बिकॉज कपड़े आपको बहुत पसंद है. मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट डिपेंड करता है एक्चुअली, मैं ओकेजन्स के हिसाब से जाती हूँ. तो मुझे वेस्टर्न भी बहुत पसंद है, डिपेंड कि मैं किसके साथ जा रही हूँ और कहाँ पर. अगर मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इंडियन पहनूँ, और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ रोहित के साथ तो मैं वेस्टर्न पहनती हूँ. तो इस बार कहाँ प्लान है आपका? मैं इस बार गोवा जा रही हूँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने. गोवा के लिए कुछ आपने अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस, मतलब मेरा लगेज बहुत ज़्यादा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है. इनफैक्ट हाँ, सो मैं ये वाली गाउन कुर्ती भी कैरी करने वाली हूँ, वेरी लवली कलर एंड लवली जरी का काम हो रखा है इसमें, बहुत प्यारा. एंड आई थिंक ये मेरे पे बहुत सूट भी करेगी.
और ब्राइडल कलेक्शंस के बारे में आप कुछ बताएं। दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी, नो समर भी है और इसमें जो है रेड से जो उसको इन्हांस किया है, मतलब इस तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और ब्राइडल्स के लिए कुछ आप बताना? यस, ब्राइडल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसमें भी इनकी स्पेशलिटी है यू नो ब्राइडल वेयर में, तो और उसको मतलब वेस्टर्न टच भी यू नो, तो इसमें स्लच जो दिया हुआ है और फिर ये गोल्डन शेड ब्लैक टॉप है इसका, तो वेरी अमेजिंग, सारे बहुत सुंदर हैं। आप और भी देखेंगे तो आपको सब ऐसा लगेगा कि यू नो ये क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा। तो बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर बैचलर्स नाइट, फॉर संगीत एंड फॉर यू नो एनी फॉर एंगेजमेंट सेरेमनी, फॉर फॉर जो मैरिज डे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो एंड वेस्टर्न भी आप देखिए, वेस्टर्न भी यू नो ये मेरा फेवरेट पीस हो गया है आई थिंक गोवा के लिए। और देयर आर सो मैनी, बाकी जंप सूट्स आर ऑल्सो देयर, बहुत प्यारे प्यारे जंप सूट हमने बनाए हैं। सी इसका जो स्लीव्स है इट्स वेरी नाइस, दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, ये मैं फॉर शोर वो पहनने वाली हूँ, वेरी प्रिटी। मतलब जो है आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा दिस, मुझे लगता है फैमिदा से मैं अब रेगुलरली किसी ना किसी इवेंट पे लेने वाली हूँ सारे कपड़े कि मुझे अब ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। लगता है फैमिदा मैम ने आपको ध्यान में रखते हुए सारे कपड़े डिजाइन नहीं नहीं उन्होंने जो आज की लड़की है जो एक वुमेन है उसको ध्यान में रख के, इंडियन वुमेन को ध्यान में रख के सारे कपड़े डिज़ाइन किए हैं। और वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर लाइक, जैसे मैं इनके कपड़ों के प्यार में हूँ वैसे डेफिनेटली आप भी इनके कपड़ों के प्यार में होने वाले हैं। और आज आपने जो पहना है ये भी मैम का बनाया हुआ है? यस 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 यस, तो दिस इज ऑल्सो ये जो मैंने आज पहना हुआ है, दिस इज अ गाउन लाइक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्लिट दिया है एंड वेरी नाइस, बेस्ट चीज़ है कि फिट एकदम फर्स्ट टाइम फिट हो गया, तो ये बेस्ट चीज़ है। यू नो कई बार हम लोग कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं बट सोचते यार ऑल्ट्रेशन पता नहीं ठीक से होगी या नहीं होगी, उसमें कहीं उसकी लुक ना चले जाए, तो हम लोग डाउट में रहते हैं। बट यू नो ये बेस्ट क्वालिटी है फैमिदा की, मैंने एक बार में ट्राई किया और वो मेरे को एकदम अमेजिंग फिट आया और मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। तो क्रीम कलर मुझे पहनना था, उसको ब्लैक से इन्होंने स्टैंड आउट किया है, तो ये बहुत अच्छा है यू नो डे लुक में, इवनिंग में सब में जाने वाला है बिकॉज इट हैज़ अ गोल्डन दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑल्सो। बाकी फैमिली आप बताइए अपने कलेक्शन के बारे में। माई कलेक्शन इज़ यू थिंक एंड वी हैव इट, ऐसा मैंने कलेक्शन बनाया है, पार्टी वेयर, वेस्टर्न वेयर, कैजुअल वेयर, एवरी थिंग, यू कम एंड हैव अ लुक, वी आर अवेलेबल विद ऑल काइंड ऑफ वराइटीज ऑफ वेयर। मैम आप कुर्तीज़ के बारे में कुर्तीज़ दिखाना चाहेंगे, ऐसी कोई कुर्ती जो आपको पहली बार में देख के बहुत पसंद आई हो? मुझे सारी कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक फॉर एनी ब्राइड, आई थिंक कोई भी ब्राइड इसमें प्रिंसेस लगेगी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पीस। बाकी कुर्तीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ मुझे ये वाली कुर्ती बहुत प्यारी लगी थी, ओप सॉरी या दिस वे, आई लव दिस कलर, और इसको जिस तरह से यू नो थोड़े थोड़े से काम से जो उसको हाईलाइट किया है मतलब बहुत सुंदर है, ये बहुत डिफरेंट पीस है। और मैम इस बार आप आगे के प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, आपको दर्शक आपको देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? दर्शक मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी काम करना चाहती हूँ, जैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे आएगी या मेरे सामने आएगी मैं डेफिनेटली उसको यस करूँगी। और बाकी ब्लेसिंग्स की हर इंसान को ज़रूरत होती है, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, माय प्लेजर। एक पिक्चर मुझे सोलो चाहिए या सर हमेशा ही साथ चाहिए? ओके ओके, मैं तो पिक्चर अच्छा होना चाहिए, मैंने ब्यूटी प्लस ऑन किया उसमें कलर से ले जाया है। ओके कर लो, मैं ले Yeah.
प्राइस है नहीं उनको थोड़ी पता है मुझे लाइट कलर्स और जो ज़्यादा हैवी ना हो यू नो बहुत डेलिकेट इंट्रिकेट हाँ सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद है वैसे यू नो मुझे लगता है फहमिदा जी अग्री करेगी कि समर्स में बहुत ही हैवी कपड़े पहनना एक तो वैसे ही गर्मी बाहर ऊपर एक पर्सनल एसी लग जा लेके जा नहीं सकते हर जगह तो एकदम कूल और कैजुअल कपड़े ज़्यादा पहनना ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ आपको ऐसे कौन सी कुर्तीज पसंद आए जो एक नज़र में जो एक नज़र में पसंद आए मुझे ये और ये बहुत पसंद है ये बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत है और जैसे आप अग्री करो आप ज़्यादा बताओगे बेटर इसके बारे में इट इज वेरी सिंपल बट इट हैज अ कट व्हिच गिव्स यू डिजाइनर इफेक्ट करेक्ट इट्स दैट वे कलर पे भी हम ऐसे वर्कआउट करते हैं कह रहा हूँ बाहर पहन के जाने के बाद पीपल शुडंट फील कलर से भी फील हैवीनेस ऑफ हॉटनेस सो आई चूज आई सी टू इट दैट वी चूज अ कलर लाइक विच इज वेरी कूल ऑन आर बॉडी करेक्ट एंड जो इनका कट है वो बहुत हॉट है तो इट्स अ हॉट कट और उसे शादियों का मौसम भी आ रहा है वापस तो नहीं करानी है मेरी शादी काफी सारी लड़कियां ब्राइडल लुक देखना चाहती हैं तो उस कलेक्शंस के बारे में ब्राइडल भी है यहां दिस इज योर ब्राइडल लुक राइट तो दिस इज एन एवरग्रीन कलर आई थिंक एवरीबॉडी लाइक्स दिस कलर एक्चुअली ऑफ लेट लास्ट 5-6 साल में ये कलर ज्यादा यू नो रेड को और ये हां करेक्ट तो ये गोल्ड कलर ज्यादा अभी फैशन में आ रहा है एंड आई लव द स्कर्ट द स्कर्ट लहंगा सॉरी मैं तो स्कर्ट ही बोलती हूँ बट एनी वे लहंगा तो आप इसके बारे में बताइए इनको दिस इसका है ना हम लोग ने चोली बहुत हैवी कर दिया दैट इज वाई वी गेव अ डिजाइनर कट ऑन द लहंगा और ये अंदर भी है या बट इट्स स्टिल वेरी सिंपल देयर इज नो एम्ब्रॉयडरी ऑन द लहंगा ओनली वर्क इज ऑन द चोली करेक्ट ओके फिर ये भी सच अ ब्यूटीफुल कलर और ये बिल्कुल हैवी नहीं है यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर डिज़ाइंस के ये बहुत ही सॉफ्ट और पहना जा सकता है आप 8-8 घंटे खड़े रह सकते हो उस स्टेज पे यू नो जो इंडियन शादियों में रहना पड़ता ही है एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड दिस इज आल्सो लहंगा चोली लहंगा चोली एंड एनीथिंग अबाउट द डिज़ाइन इट हैज अ सीक्वेंस एंड रेशम एम्ब्रॉयडरी व्हिच विल गिव यू अ वेरी एलिगेंट लुक इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू लुक गॉडी आल्सो But it will definitely make you look beautiful. Yes. All your designs will make people look beautiful, Fahmida. Thank you so much. You know, they are all very beautiful. Western look के बारे में कुछ बात करें तो आपको कैसे dresses पसंद हैं या कुछ? Western में वहाँ देखे हम? वहाँ देखे? ठीक. तो westerns में देखिए मैं ज़्यादा करके जीन्स और शॉर्ट स्कर्ट्स ये पहनती हूँ लेकिन अगर आपको फॉर्मल जाना हो या कहीं नाइट वेयर नाइट पार्टी जाना हो तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल ये आजकल की लड़कियाँ बहुत ऐसे पहन के यू नो प्रेफर करती है गर्मी में शॉर्ट बट इट्स हॉट यू नो सो शॉर्ट एंड हॉट अगेन और जैसे ये है ये मस्टर्ड कलर येलो कलर आई थिंक इट्स वेरी इन डस दिस गो लाइक दिस या तो दिस इज अ वेरी इन थिंग सॉरी ये इधर अटका हुआ है तो दिस इज इन वोग आई थिंक आई लव स्टफ लाइक दिस यू नो इट्स वेरी फैशनेबल इट्स वेरी इन एंड इट्स ऑफ टुडेज टाइम So all her stuff is very beautiful, but I like these two quite a bit. Look at this tribal. Yeah. Beautiful. अच्छा by the way ये top भी इन्हीं का है जो मैंने पहना है
जीन्स के ऊपर, तो आई वुड प्रिफर ड्रेसिंग अप लाइक दिस फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट. आपके यू नो यू डोंट हैव टू ऑलवेज ड्रेस अप इन शॉर्ट ड्रेसेस और शॉर्ट स्कर्ट्स टू लुक हॉट. यू जस्ट नीड फेमिदा शेक फॉर दैट. राइट, थैंक यू सो मच. इससे बेटर लाइन नहीं हो सकती. नहीं.